सोनीपत में हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता मौजूद थे तो बीजेपी पर उन्होंने जुबानी प्रहार कर दिया। बीजेपी की जो रैलियां हुई हैं उस पर भी कटाक्ष उन्होंने किया है। उनका बयान जो सामने आया है वो बीजेपी के नेताओं को जरूर चुभने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी का सोपड़ा साफ होने वाला है। खाली कुर्सियों पर पुलिसकर्मी बैठ जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कई टुकड़ों में बटा है, कांग्रेस पर निशाना साधा। संगठन की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। सुशील गुप्ता की ओर से ये बयान सोनीपत में दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी तंज कसे जाते हैं, अब जवाब भी देना है, तो इस तरह से जवाब सुशील गुप्ता दे रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के बनाए गए थे, संगठन बना आम आदमी पार्टी का, लेकिन खुद का संगठन बना के अब कांग्रेस के संगठन ना बनने पर भी कटाक्ष करते हैं। चाहूंगा कि बीजेपी अपना विश्वास सब हरियाणा से पहुंच गया है। चैन के गृह मंत्री आए तो पंजाब से, कल फतेहाबाद के अंदर हिसार के अंदर रहे लीजिए तो 5000 कुर्सी होती, 5000 से ऊपर से कुर्सियाँ लगा देंगे, और उस 5000 में से 500 ही भर्ती है, बाकी पुलिस वालों के 3500 बच जाते हैं। कहीं पे मुख्यमंत्री जाता है तो उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, कहीं पे जब इनके नेता जाते हैं तो किसान नेताओं को, सरपंचों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस खुद टुकड़ों में बटी हुई है। कल बाबरिया जी का इनके बयान में अभी अभी अखबार में पढ़ रहा था, वो खुद कह रहे थे कि हम सभी गुटों को बात करेंगे बता दें। कल प्रदेश अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस की, और वहाँ पे तकरीबन एक ही गुट के लोग थे, बाकी गुटों के लोग नहीं आए, तो कांग्रेस खुद गुटों में बटी।